कन्वेयर बेसिकली होता ही है आपके पास के इंडस्ट्रीज़ में चीज़ों को सप्लाई करने के लिए कन्वेयर यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन हुई है, आपका एक यूनिट पीस है जिसको आप ट्रांसमिट कर रहे हो। कन्वेयर ना सिर्फ यूनिट पीस को ट्रांसमिट करने के लिए काम आता है, बल्कि एक बल्क, जैसे आपके पास बहुत सारा कोयला हो गया या सैंड हो गई, उसको ट्रांसमिट करने के लिए भी काम आता है। तो बेसिकली इसका मेजर पर्पज़ होता है ट्रांसपोर्ट करना चीज़ों को ना, एक जगह से दूसरी जगह। कन्वेयर आर यूज टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विद इन प्लांट और फैसिलिटी। कन्वेयर सिस्टम अलाउ क्विक एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल विच मेक देम वेरी पॉपुलर इन मटेरियल हैंडलिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री। बेसिकली इनका काम होता है हैंडलिंग करना और चीज़ों का पीछे ट्रांसपोर्ट कर देना। अच्छा, कन्वेयर के जो यूजेस वही हैं कि ट्रांसमिट करना होता है, एक फिक्स पाथ होता है, मटेरियल को मूव करता है और जस्टिफाई होती है इसकी इन्वेस्टमेंट अगर करो तो जस्टिफाई होती है, कि आपको जो अगर वो चीज़ आप जो कन्वेयर पर ट्रांसमिट कर रहे हो, अगर आपको लेबर लगाओ तो उसमें आपको ज़्यादा इनपुट देना पड़ता है बनिस्बत आपके कन्वेयर के। अच्छा, कन्वेयर की दो किस्म में यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है। पहली क्लासीफिकेशन है कि वो प्रोडक्ट कौन से हैंडल कर रहा है। पहला है कि वो यूनिट लोड, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कॉटन है, ये एक यूनिट लोड है ना, एक पर्टिकुलर कॉटन है, इसको हैंडल कर रहा है। या फिर दूसरी कैटेगरी होती है कि बल्क लोड है, इसमें बहुत सारे आपके पास कोयला हो गया, आपके पास मिट्टी हो गई, आपके पास कोई दूसरा मटेरियल हो गया, जैसे आपके पास मोल्डिंग होती है ना, प्लास्टिक मोल्डिंग होती है, उसके लिए आपको जो ग्रैनुलर होते हैं, आपके जो ग्रेन्स होते हैं, उनको ट्रांसफर करने के लिए काम आ जाता है। तो बल्क से मुराद जैसे कोयला हो गया, मिट्टी हो गया, ऐसी बहुत सारी हैवी बॉन्डो चीज़ें हैं। यूनिट मतलब ऐसे कॉटन, इस दो कैटेगरी में करते हैं। अगर हम यूनिट लोड कर रहे हैं इसके लिए हम लोग दूसरी कैटेगरी का बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लाजमी हमें एक पूरा कंप्लीट बेल्ट यूज़ करना पड़ेगा, ताकि कहीं से लीकेज वगैरह, कहीं स्लिप वगैरह ना हो। इस तरह लोकेशन ऑफ कन्वेयर है, हम देखते हैं कि ऊपर से जाना है, हमारे सर के ऊपर से जाना है, या फ्लोर पे इसको लगा देना है, या फ्लोर के अंदर या फिर ऊपर टोटल उसको कवर करके लगा देना है। इस तरीके से इनको दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। अब कन्वेयर की बहुत सारे टाइप्स हैं, हम जो पढ़ेंगे हमारे कोर्स का हिस्सा, वो चार टाइप्स हैं। बेल्ट कन्वेयर होती है, स्क्रू कन्वेयर होती है, वाइब्रेटिंग कन्वेयर होती है, और हमारे पास बकेट कन्वेयर होती है। जो बेल्ट कन्वेयर होती है उसमें बस छह पुली यूज होती हैं। पहली पुली होती है डाउन पुली, दूसरी, ये बेल्ट कन्वेयर बना रहा हूँ मैं, और ये हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड बेल्ट के लिए कन्वेयर बना रहा हूँ मैं। दूसरी तो हमारे पास यहाँ पे एक हेड पुली होती है, तीसरी हेड पुली के बाद ही हमारे पास यहाँ पे एक सनअप पुली होती है, इसको सनअप पुली बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बेंड पुली होती है और एक टेकअप पुली होती है। ओवरऑल किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में जब हम बहुत बड़ी कन्वेयर होती है, उसके अंदर ये पुली यूज होती है, ये बेल्ट बना रहा हूँ उसके अंदर। बेल्ट यहाँ से ऊपर आता है, फिर ये सनअप पुली के ऊपर से गुजरता है, फिर ये बेंड पुली आती है, बेंड पुली से नीचे आता है ऐसे, फिर ये टेकअप पुली होती है, टेकअप पुली के बाद फिर दोबारा बेंड पुली आती है, फिर हमारे पास दोबारा डाउन पुली है। तो ओवरऑल जो स्टैंडर्ड है वो बेल्ट पुली के अंदर जो हमारे पास छह पुली होती है, इसको बोलते हैं डाउन पुली, हेड पुली, सनअप पुली। ये दोनों हमारे पास बेंड पुली हैं, इनका काम बेल्ट को सही से टाइट कर बेंड बेंड करना होता है। इसका काम होता है टेकअप पुली। ये दोनों जो पुली होती है तो मेन काम कर रही होती हैं, आपके एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती हैं। सनअप पुली का काम क्या होता है, ये आपको मैक्सिमम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इसका बढ़ाती है, ये सनअप पुली का काम होता है। बेंड पुली का काम होता है आपके बेल्ट को बगैर बैंड कर रखना, और ये टेकअप पुली का काम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा कभी पीस कोई ख़राब हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये वाला पीस ख़राब हो गया, हमने इसको काट दिया, सही है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया, इसको हमने काट के ना इसको काटा, और इस वाले पोर्शन को हमने, जैसे वाला पोर्शन हमने काट दिया, हमारी पुली की लेंथ, हमारी जो बेल्ट की लेंथ कम हो गई, हमने इस वाले पोर्शन को डायरेक्टली इस वाले पोर्शन से जोड़ी, तो हमारी बेल्ट की लेंथ कम हो जाएगी। वो जो लेंथ हमारी कम होती है ना, वो इस पुली को थोड़ा सा ऊपर करके हम ऊपर करते हैं, तो वो लेंथ यहाँ से हम रिटेन कर लेते हैं, जितनी लेंथ हमारी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका बेसिक पर्पज़ ही होता है टेकअप पुली का। तो ओवरऑल ये छः पुलियाँ किसी भी बड़ी इंडस्ट्रीज के कन्वेयर में यूज़ हो रही होती हैं। तो बेल्ट पुली देखते हैं, बेल्ट कन्वेयर। अच्छा, बेल्ट कन्वेयर है बेसिकली, ये बल्क जैसे कोयला है, बल्क मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए यूज़ होता है। अब बेल्ट कन्वेयर इज़ रबर और टेक्सटाइल स्ट्रक्चर, बेसिकली ये रबड़ का स्ट्रक्चर होता है, और काफ़ी थिक रबड़ होती है, बकायदा इसको रबड़ के बीच में ना दूसरे मटेरियल वगैरह भी होते हैं,
ये देखो, ये सिंपल आम रबड़ नहीं होती, इसके पीछे बकायदा दूसरी लेयर्स वगैरह भी इसके अंदर बकायदा की जाती हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इलास्टिसिटी स्टिफनेस मिल रही होती है, जैसे यहाँ पे सही दिखाया हुआ है। इसके अंदर जो है ना, ये जो वाइट वाली चीज़ आ रही है, जो धागे जो टाइप के, इसको प्ले बोलते हैं, प्ले PLY। ये दो प्ले की रबड़ है, इस तरह चार प्ले की रबड़ आती है, ये तीन प्ले की रबड़ है, इसके अंदर तीन प्ले हैं, ये पहली प्ले, ये दूसरी प्ले, तीसरी प्ले। तो जितनी ज़्यादा प्ले होंगी ना, उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है आपकी बेल्ट की। इसमें भी देखो तीन प्ले हैं, ये पहली प्ले, दूसरी प्ले, तीसरी प्ले। तो बेल्ट कन्वेयर आर यूज मोस्टली यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स और बल्क मटेरियल एट अ ग्रेट स्पीड। अच्छा, इसका फ़ायदा तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और ये अप टू 30 किलोमीटर तक इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी अपने ऑब्जेक्ट को। तो ये बेल्ट कन्वेयर बेल्ट होते हैं। दूसरा हमारे पास स्क्रू, स्क्रू का आमतौर पर हम उन ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, हमारा पाउडर फॉर्म हो गई, हमारे पास जो ग्रेन्स की स्ट्रक्चर हो गए, कोई ग्रेन्स वगैरह हैं हमारे पास, पाउडर फॉर्म में हमारा जो मटेरियल है, अगर हमें उसे ट्रांसमिट करना है वर्टिकली या किसी भी इंक्लाइंड शेप में, इसको वर्टिकली भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये वर्टिकली कर पाते एफिशिएंट नहीं है, बल्कि किसी जो आपका उसको इंक्लाइंड एंगल हो ना 45 डिग्री पे, या 45 से नीचे नीचे, या थोड़ा सा ऊपर ही हो 45 से, तो उसके लिए आप ये जो स्क्रू वाली जो कन्वेयर होता है ये यूज़ कर रहे होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि टोटली कवर होता है, ये वाला जो बेल्ट है ना वहाँ पास टोटली कवर नहीं होती, ये ओपन टू एटमोसफेयर होती है। जबकि जो स्क्रू वाली बेल्ट है ये टोटली वहाँ पास कवर होती है, और इसके अंदर ग्रेन्स वगैरह पाउडर वगैरह से हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं। टाइट होती है, वेदर प्रूफ होती है, इसकी एडवांटेज है। और जब हमारे पास ये स्क्रू एक टर्न लेता है ना, तो हमारे जो मटेरियल होता है वो एक पिच ट्रैवल करता है, यहाँ से लेके ना यहाँ तक के डिस्टेंस को वन पिच बोलते हैं। जब हमारा जो स्क्रू वो एक टर्न लेता है, तो हमारे जो अंदर जो जट होता है ना, वो वन पिच डिस्टेंस कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जट पहले यहाँ था, इसने एक टर्न लिया हमारी स्क्रू ने, तो हमारा ऑब्जेक्ट अब यहाँ पहुँच जाएगा, वो लिखा हुआ है। ईच रोटेशन एडवांस मटेरियल टू वन पिच लेंथ, एक दफ़ा रोटेट करेगा तो हमारा जो मटेरियल होगा वो वन पिच लेंथ तक आगे आ जाएगा, ये बात लिखी हुई है। 45 के एंगल पर होता है, बाकी बात सारी बातें वही है। वाइब्रेटिंग कन्वेयर है आमतौर पर, किसी चीज़ को जैसे हमने इंटर्नशिप की थी एटलफ इंजीनियरिंग में, उसमें ना एक कूलिंग बेड, इसको कूलिंग बेड बोलते थे वो लोग, वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग कन्वेयर को। इसमें होता है कि वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन की वजह से आपकी चीज़ आगे, जैसे आपके पास जो लेस वगैरह बनते हैं वो भी इसी बेड के ऊपर से आते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जो चीज़ें होती हैं ना, वो टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं करती हैं, ये खुद ही वाइब्रेशन की वजह से आपकी चीज़ आगे जा रही होती हैं। इस तरह चीज़ों को फैलाने के लिए भी ये वाइब्रेटिंग बेड यूज़ करते हैं। वाइब्रेटिंग कन्वेयर आर रबस्ट कन्वेयरिंग इक्विपमेंट यूज फॉर फाइन टू कोर्स ग्रेन्ड बल्क मटेरियल। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ये कोई भी बल्क मटेरियल है, जो कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई प्रोसेस होकर आ रहा है, अब इसको उन्होंने फैलाना भी है, ऐसे ऐसे फैलाना भी और आगे भी ट्रांसफ़र करना है। तो ये कूलिंग, ये जो वाइब्रेटिंग कन्वर्टर है, इसको ऐसे ऐसे फैलाता भी रहता है और आगे ट्रांसफर। आमतौर पर ये खाने की इंडस्ट्रीज वगैरह होती है ना, वो उनमें यूज़ होता है, कीड़े पीछे से प्रोसेस होकर आती है, उनको अपने फैलाना होता है, वही फैला के उसको फिर आगे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इसके नीचे यहाँ पे मोटर लगी होती है, यहाँ पे नीचे ना इधर जो मोटर चलती है, तो ये इसको कन्वेयर को वाइब्रेट करती हैं, या फिर यहाँ पे एक बड़ा वाइब्रेटर लगा होता है जो कि इसको वाइब्रेट कर रहा होता है आगे पीछे, ऐसे तो वाइब्रेट करता है, इसको ऐसा मटेरियल आगे ट्रांसफर हो रहा होता है। देर आर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल, प्रोवाइड दैट दीज मटेरियल आर कन्वेड हॉरिजॉन्टली। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है, वर्टिकल या किसी पर्टिकुलर एंगल पे, अगर पर्टिकुलर एंगल पे नीचे जा रहा है तो फिर सही है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एंगल पे ऊपर जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं होता। अब वाइब्रेटरी कन्वेयर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ एन ओपन और क्लोज टॉप और पाइप, ये ओपन भी सकता है, क्लोज भी सकता है, और आगे लिखा हुआ है इसमें, ये होता है इलेक्ट्रिकली सप्लाई कर रहे होते हैं, और बस यही है। और वाइब्रेशन के जरिए इसमें स्प्रिंग वगैरह लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी एनर्जी आगे चीज़ आपको आगे ट्रांसफर कर रहा होता है। अगला हमारे बकेट कन्वेयर, ये अगर हमें वर्टिकली कोई चीज़ ट्रांसमिट करनी है, तो उसके लिए हम बकेट कन्वेयर वाला एफिशिएंट होता है। अभी हमने जो पहले टाइप पढ़ी ना, ये इसका फ़ायदा क्या था कि ये लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, इसका बड़ा फ़ायदा ये था। इसका फ़ायदा क्या था, किसी पर्टिकुलर एंगल पे और टोटली वेदर प्रूफ है, इसका फ़ायदा ये था। इसका फ़ायदा क्या है कि आपके पास हॉरिजॉन्टली के लिए काम करता है, और प्रोसेस इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें बन रही हैं, वहाँ पे चीज़ों को फैलाने के लिए भी, और ये रबस्ट भी एक, ये वेदर प्रूफ भी हो सकता है, ये वेदर प्रूफ भी हो सकता है और टोटली कवर भी हो सकता है और खुला भी हो सकता है। इसका फ़ायदा ये है, ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर नहीं लग सकता, ये हॉरिजॉन्टल लगेगा। इसका फ़ायदा क्या है, अगर आपको बिल्कुल वर्टिकली चीज़ ऊपर ट्रांसफिट करनी है, बिल्कुल ऊपर वर्टिकली, तो उसके लिए हम बकेट कन्वेयर यूज़ करते हैं। इस पर आपको सैंड, मड, स्लज वगैरह, अच्छा इसकी वो, इसे फ़ायदा ये भी है, इसमें आप लिक्विड ट्रांसफर करते हो, आपका लिक्विड है ना, लिक्विड वो भी कर सकते हो, लिक्विड इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, लिक्विड इसके अंदर
माइट बी पॉसिबल, इसके अंदर लिक्विड पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आमतौर पर करते नहीं हैं, इसमें लिक्विड पॉसिबल नहीं है। इसका फ़ायदा ये भी है क्योंकि अभी बकेट होती है, ये बकेट बनी हुई है इसकी ना, बकेट के अंदर चीज़ डाल देते हैं और वो आगे जाके ऊपर हमें रिस्टोर हो जाती है। और ये सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे जब यहाँ पे आती है ना हमारी चीज़, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ना हमारी चीज़ वापसी इस बकेट में या बड़ी हमारे पास जो हॉपर है वहाँ आके जमा हो जाता है। तो बकेट आर फेड विद द मटेरियल एट कंट्रोल्ड रेट, द मटेरियल इज एम्प्टीड एट द एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटी के जरिए बस बकेट हमारी उल्टी होती है तो ग्रेविटी के जरिए अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए हमारी चीज़ वापसी इधर आ जाती है। द बकेट आर कनेक्टेड बाई यूजिंग अ चेन और बेल्ट्स विच मूव द बकेट्स। पहले प्रॉपर हमारी बेल्ट ही होती है, बेल्ट के ऊपर बकेट्स अटैच्ड की होती हैं, वो बेल्ट के पास हमारी बकेट्स या चेन के पास हमारी बकेट्स उड़ कर जाती है, जिससे हमारा मटेरियल ऊपर जो ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो ये चार टाइप से कन्वेयर थे। अब पूछ सकते हैं कि हमारे पास एक फूड की इंडस्ट्री है, उसमें फॉर एग्जाम्पल कोई भी ट्रॉफीज वगैरह बन रही हैं, तो उसके लिए कौन सा कन्वेयर यूज़ करेंगे? तो उसके लिए यह कन्वर्ट बड़ा बेहतर होगा लेबोरेटरी। ये बोल सकते हैं कि हमें एक सैंड है जिसको हमें 10 किलोमीटर ट्रांसफर करना है, उसके लिए कौन सा कन्वर्टर, फिर यह कन्वर्टर यूज कर सकते हैं। या बोल रहे हैं बस एक इंडस्ट्री है जिसका हमें बिल्कुल वर्टिकली चीज़ ऊपर ट्रांसफर करनी है और लोअर वो लिक्विड भी है, उसके लिए यह अलग कन्वर्टर ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे इसके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस की कोई खास है नहीं, बस में वही लिखा हुआ है कि रेगुलरली से आप इसके वॉक करते रहो थ्रू में और बाकायदा इसका कोई बिहेवियर चेक करते रहो। अगर आपको कोई अनयूजुअल बिहेवियर इसका दिख रहा है तो फिर उस कंपोनेंट को नोट करो। आपने चेक करने के, अगर फॉर एग्जांपल बेल्ट में कहीं अगर आपके पास थोड़ा सा भी ब्रेकअप आ जाए, फॉर एग्जांपल ये बेल्ट था आपका, यहाँ पे थोड़ा सा कट नज़र आया आपको, तो उस कट को बाकायदा मॉनिटर करते रहो या उस कट को फौरी तौर पे उसको रिप्लेस कर दो या कुछ उसको फौरी एक्शन ले लो। तो ऐसे पॉइंट जिसमें मटेरियल बिल्ट अप हो रहे हैं या आपके पास कोई कट अप आ रहा है, मटेरियल बना दे मटेरियल जमा हो रहा है, उन पॉइंट्स को देखते रहो, वहाँ पे फेलियर का ज़्यादा खदशा है। कोई मिस अलाइनमेंट नहीं होनी चाहिए कि बेल्ट में, अगर मिस अलाइनमेंट होगी तो बेल्ट आपके पास ट्रेड हो सकता है, जिस पर जैसे अगर इसके अंदर मिस अलाइनमेंट हो हमारे पास, अगर ये बेल्ट मिस अलाइनमेंट हो जाए तो कोयला हमारा नीचे गिरता भी रहेगा जो कि लॉस होगा। इसी तरह अगर इसमें मिस अलाइनमेंट हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कटा हुआ थोड़ा सा, तो हमारे से मटेरियल बाहर गिरता रहेगा, तो मिस अलाइनमेंट होगी ना उससे हमारा मटेरियल लॉस हो रहा होगा। चेक ड्राइव एम्पेयर एम्परेज, चेक करो जब आपने नया कन्वर लगाया था उस वक्त कितना एम्पर ले रहा था और अब कितना ले रहा है वर्किंग में। अगर ज़्यादा ले रहा है मतलब वो लोड ज़्यादा ले रहा है तो उसको चेक करना पड़ेगा। चेक फॉर डैमेज वेयर एट द लोडिंग और ट्रांसफर पॉइंट। आमतौर पे जब हम इसमें लोडिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो एट अ सडन जग के फाद, फॉर एग्जाम्पल एक कन्वर्ट चल रहा है बड़ी स्पीड से चल रहा है, हमने इसके अंदर लोडिंग की, तो इसके अंदर एक सडन जर्क आता है या इम्पैक्ट फोर्स लग रही होती है। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि आपको जो लोड इसके अंदर लोड इन हो रहा हो या हमारा लोड यहाँ पे आउट हो रहा हो, वो एट अ सडन ना हो। एट अ सडन होगा ना तो इसमें एक इम्पल्स फोर्स क्रिएट हो जिसकी वजह से चीज़ टूट सकती है। तो लोडिंग और अनलोडिंग में आपने एहतियात करनी है। अवॉइड मिस यूजेज, कन्वेयर को मिस यूज़ ना करें, ये ना हो कि आप 30 किलोमीटर का आप खुद इसमें बैठ के जा रहे हो प्लांट में। अगला हमारे पास ये बेरिंग मस्ट बी प्रॉपरली, आमतौर पर जब कन्वेयर बेल्ट होते हैं ना उसकी बेरिंग को अंदर मट्टी वगैरह जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ये कन्वेयर चल रहा है आपके पास, यहाँ तो फिर भी काफ़ी तरह सफाई है। आमतौर पर जब कन्वेयर जब चल रहे होते हैं ना तो उसके बेरिंग ओपन ही होते हैं, तो वहाँ पे मट्टी चल जाती है जो बेरिंग के लिए जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आपको बेरिंग को पका जाना कवर करना चाहिए जिसकी वजह से वहाँ पे कोई सैंड के पार्टिकल वगैरह उसके अंदर ना जाए। और मेंटेनेंस में कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जब भी कन्वेयर की मेंटेनेंस कर रहे हो तो आपको टैग्स वगैरह, जैसे टैग्स है ना उसके वहाँ पे टैग्स आपको लगाने चाहिए। इसमें एक HSC का टैग होता है, एक आपके पास डोनर ऑपरेटर का टैग होता है, एक आपके पास मेंटेनेंस का टैग होता है, तो तीनों टैग आपको लगे होने चाहिए यहाँ पे जब भी मेंटेनेंस कर रहे हो। मेंटेनेंस में क्या क्या देखना, आपने बेयरिंग देखना है, आपने गियर रिड्यूसर मतलब गियर बॉक्स ही है, आपने गियर बॉक्स की या गियर रिड्यूसर की आपने वो लुब्रिकेशन देखनी है, आपने ड्राइव्स देखनी है, आपकी जो पुली है ना बेसिकली यही पुली, ये आपके ड्राइवर्स ही हैं, ये ड्राइवर्स हैं आपके, ये ड्राइव्स हैं, आपने ये चेक करना है, आपने स्क्रू देखना है, आपने शाफ्ट वगैरह देखनी है। ये जो बात हो रही है ना आमतौर पर ये शाफ्ट की जो बात हो रही है, शाफ्ट यहाँ पर यूज़ होती है, ये है ना हमारा स्क्रू, ये पूरी कॉमन शाफ्ट से लगा होता है। इस तरह अगर आपके पास जो ये चीज़ है, क्या पता ये जो पुली है, ये पुली इस मोटर की शाफ्ट से चल रही है, आपने ये वाली शाफ्ट देखनी है। और इसी तरह बीच में बहुत सारे स्क्रूज अटैच्ड होते हैं ना, जैसे ये स्क्रूज अटैच्ड है,
आपने इनकी बकायदा टाइटनेस भी चेक करनी है, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह सील्स वगैरह हैं, आमतौर पर जो जैसे गेयर बॉक्स है उसमें सील्स लगी होती हैं, उनकी लीकेज चेक करनी है आपने। कपलिंग बोल्ट हैं, जैसे ये मोटर है, इस मोटर के यहाँ पे कपलिंग हुई होगी कोई ना कोई, मोटर के इस बेड से कपलिंग हुई, वो कपलिंग के बोल्ट आपने चेक करने हैं, कपलिंग सही है भी कि नहीं। यहाँ भी कपलिंग हुई कोई ना कोई, तो आपने इसकी कपलिंग चेक करनी है कि कपलिंग सही है भी कि नहीं, आपका काम से चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसी तरह ये इसमें पुली नहीं लगी हुई, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना ये वाली, ये वो वाली बेल्ट नहीं है, इसमें ना अंदर रोलर लगे हुए यहाँ पे बहुत सारे, ये पूरे रोलर लगे हुए अंदर इसके अंदर बेल्ट के अंदर, वो रोलर की वजह से ये बेल्ट आगे ट्रांसमिट हो रहा है। इस तरह असेंबली बोर्ड्स वगैरह का सारे चेक करने हैं। अच्छा, तीन किस्म के असेंबल होते हैं, एक होता है डेंजर होता है, एक होता है वार्निंग, एक होता है कॉशन। डेंजर में क्या होता है कि उसके पास भी ना भटको, इसके मेरा ये होता है कि उसके पास ना जाओ, अगर जाओगे तो मौत का खदशा है, मतलब मरने का खदशा है, इतना सख्त है, सही है, इसमें डेथ का खदशा होता है डेंजर में जब येलो फैन होता है। इस तरह होता है वार्निंग, वार्निंग से मराद क्या कि इतना ज़्यादा खतरा नहीं मरने का, लेकिन आपको जो इंजरी होगी ना वो बहुत डेंजरस इंजरी, जैसे पाँव टूट गया यहाँ पे, मर नहीं सकते, मतलब सिर्फ इंजरी कॉज होगी और वो बहुत ज़्यादा इंजरी होगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी आपको। इस तरह तीसरा होता है क्वेश्चन, उससे मराद ये होता है कि आपके पास डेंजर तो है लेकिन वो आपको इतनी ज़्यादा इंजरी कॉज नहीं करेगी, एक थोड़ी सी माइनर इंजरी कॉज कर देगी लेकिन कोई सीरियस इंजरी कॉज नहीं होगी। तो तीन सिंबल होते हैं, डेंजर मतलब मौत का खदशा है, वार्निंग मतलब सीरियस इंजरी हो जाएगी, और क्वेश्चन मतलब इंजरी होगी लेकिन इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होगी। और ये जब भी आप सेफ्टी पर लगा रहे हो तो जो उसका जो बटन होता है जिससे आप ऑन करते हैं ब्रेकर जो भी आपका, तो उसमें आपको टैग्स लगते हैं, एक सेफ्टी का टैग होता है HSC का, एक आपके पास डू नॉट ऑपरेट का टैग होता है, और एक आपके पास जो दूसरी चीज़ होती है मेंटेनेंस का टैग होता है, ये तीनों टैग लगते हैं फिर मेंटेनेंस होती है, उससे पहले मेंटेनेंस नहीं होती। कोई सवाल है इसमें?